अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण जोरों से चल रहा है। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है। इसी कड़ी में भगवान राम की नगरी अयोध्या रोशनी से नहाई हुई है। दरअसल राम की पौड़ी लेजर शो का सफल ट्रायल किया गया। दीपोत्सव के दौरान सरयू की जलधारा में भव्य लेजर शो इस बार आकर्षण का केंद्र होगा। जिस पर प्रतिदिन भगवान राम के जीवन चरित्र पर आधारित कथा के अनुसार लेजर लाइट शो का प्रदर्शन किया जाएगा। इस बार अयोध्या में भव्य तैयारियां की गई है, लेजर लाइटिंग शो है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह का अनुभव? बहुत ही अच्छा लग रहा है, अनुभव किया देखकर आनंद लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, जिसका कोई ये वर्णन नहीं, उसको बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। बहुत ही अच्छा लगा जो राम मंदिर खुला, जो हम लोग का आज 70 वर्ष की बहुत दिन से, यानी कि हमारा बाप पिता ही बोल रहे थे जो राम जी कैद में हैं, लेकिन वो खुल गया, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही आनंद अनुभव हो रहा है। सतरंगी रोशनी में नहाई अयोध्या की रौनक देखते ही बन रही है और दिवाली से पहले राम नगरी अयोध्या रोशनी से सराबोर है। रात में जगमग करती अयोध्या दिन के उजाले में भगवान राम के रंग में रंगी नजर आ रही है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सरकार के द्वारा बहुत अच्छा प्रयास है कि त्रेता युग में भगवान राम की जो झलकियाँ थी, जो उनके चरित्र थे, उसे पुनः जीवंत करने का प्रयास हमारे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। जी, बहुत दिव्य कार्यक्रम था, बहुत भव्य कार्यक्रम था। जैसे हम लोग पिछले वर्ष से देखते आ रहे हैं, उससे भी बेहतर और उससे भी अच्छा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हर वर्ष कुछ ना कुछ नया और पिछले वर्ष से और बेहतर बनाने का प्रयास निरंतर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माननीय महंत श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा हो रहा है। दिवाली से अयोध्या का कण कण सतरंगी रोशनी से नहाई हुई है।